ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल बेसिक लेवल से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक किया जा सकता है। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हम केस वन लेकर स्टडी कर रहे हैं साथियों, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम। यदि हम सिस्टम को हीट देते हैं साथियों, इस प्रकार से जैसा कि हम जानते हैं एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है साथियों। यहाँ पर अब इसमें हम हीट ऐड करेंगे तो डेल क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी साथियों, और जो टेम्परेचर होता है अपना केल्विन में होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलने वाली है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी साथियों, तो डेल एस की जगह हम एस टू माइनस एस वन लिख सकते हैं साथियों, और जो वैल्यू आई है अपनी पॉजिटिव आई है, तो इससे हम लिख सकते हैं ये वैल्यू इधर आ जाएगी। या फिर आप कहें साथियों, इनमें से इन दोनों का अंतर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर S2 एंट्रोपी है जो सिस्टम की, वो ग्रेटर देन है S1, अर्थात हम कह सकते हैं हीट देने पर एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होता है। व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम एंट्रोपी विल इंक्रीज। अब हम यहाँ पर देखते हैं केस सेकंड साथियों, व्हेन हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। यदि हम हीट रिजेक्ट करेंगे साथियों, सिस्टम को हीट दी जाती है तो पॉजिटिव, और हीट रिजेक्ट की जाती है तो नेगेटिव होती है। यहाँ पर डेल क्यू नेगेटिव वैल्यू होगी साथियों, ये पॉजिटिव है तो अल्टीमेट हमें नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पर साथियों, जो डेल एस है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो इससे हम कह सकते हैं एस टू इज लेस देन एस वन। यहाँ पर एस टू की वैल्यू या अपनी एंट्रोपी में डिक्रीमेंट देखा जा रहा है साथियों, फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट पर जाने पर एंट्रोपी हमारी कम हो रही है। तो अब आप कह सकते हैं व्हेन हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम देन एंट्रोपी विल डिक्रीज। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं केस नंबर थर्ड साथियों, यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है साथियों, तो ये टर्म अपनी जीरो हो जाएगी, डिवाइड बाई टी है तो साथियों ये टोटली जीरो हो जाती है टर्म किसी प्रोसेस के लिए, तो डेल एस जीरो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हम लिख सकते हैं साथियों, डेल एस इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन, इसे लिख सकते हैं। अब इसको जीरो के बराबर करते हैं साथियों, हम लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू S1, यहाँ पर दोनों एंट्रोपी अपनी सेम हो जाएंगी दोनों स्टेट पर। तो अब आप कह सकते हैं ऑल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आर इजेंट्रोपिक प्रोसेसेज। जो ये प्रोसेस है साथियों अपने, इजेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, इनमें एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, सेम बनी रहेगी। अब साथियों हम जानते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जानेंगे साथियों। यहाँ पर इरिवर्सिबल की कंडीशन हम जानते हैं, जो ये क्वांटिटी होती है साथियों, इससे ये जो अपनी एंट्रोपी होती है हमेशा बड़ी होती है, इरिवर्सिबल की क्वांटिटी कम होती है रिवर्सिबल के बजाय। तो इस प्रकार से इस कंडीशन से अब इसको हमको एंट्रोपी बनाना है साथियों, इसके बराबर करना है, तो इसमें कुछ ऐड करना होगा, कुछ आप इसमें ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगी। जिसको ऐड करते हैं साथियों, उसको डेल एस जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ ऐड करने के बाद हमें एंट्रोपी प्राप्त होती है साथियों, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी रिवर्सिबल, प्लस इसमें आप डेल एस जनरेशन कुछ ऐड करते हैं टू इक्वल, इसको बराबर करने के लिए, जिससे एंट्रोपी फॉर्मेट में आ जाए। एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी, बट एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इट जस्ट ए क्वांटिटी। ये सिर्फ क्वांटिटी है साथियों, जो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड की जा रही है यहाँ पर। अब यदि कुछ कंडीशन लगाकर देखा जाए साथियों, इसकी वैल्यू आप जीरो रख सकते हैं या जीरो से बड़ी रखेंगे, क्योंकि जीरो से कम तो आप रखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ आप ऐड कर रहे हैं इसे एंट्रोपी बनाने के लिए। तो इस कंडीशन के लिए यदि ये वैल्यू जीरो होती है साथियों, तो प्रोसेस अपना रिवर्सिबल बन जाता है, क्योंकि इसको आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ जीरो ऐड करने पर यदि ये इक्वल हो जाता है तो ये एंट्रोपी बन जाती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और यदि इसमें साथियों आप कुछ ऐड करते हैं जीरो से, ये कुछ बड़ा है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, डेल एस जनरेशन इज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से अधिक होगा साथियों, तो ये वैल्यू कम होगी, इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, ये फिर बैलेंस करने के लिए एंट्रोपिक बराबर टर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से अपना जो ये प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। चलिए साथियों, इस स्लाइड में अब जानते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब तक हम रिवर्सिबल प्रोसेस देख रहे थे साथियों, यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने वाले हैं, उसके लिए स्टडी करते हैं केस वन ले लेते हैं साथियों। हम जानते हैं एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस की किसके बराबर होती है, यहाँ आप देख रहे हैं साथियों,
डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई टी, ये वैल्यू होगी साथियों, और इसमें कुछ एस जनरेशन आप ऐड करेंगे तो ये एंट्रोपी बन जाती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब इस प्रोसेस में यदि आप हीट ऐड करते हैं, आप एंट्रोपी चेंज पढ़ रहे हैं साथियों, तो इसमें हीट ऐड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी साथियों, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है केल्विन टेम्परेचर वाली, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी साथियों या फिर जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि इसका उद्देश्य इसको प्लस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए ऐड किया गया है साथियों। तो इस प्रकार से ओवरऑल वैल्यू हमारी सभी पॉजिटिव होंगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी, जिससे हम लिख सकते हैं इस डेल एस की जगह एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारी एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हुआ है साथियों, एस टू इज ग्रेटर देन एस वन। इस प्रकार से इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं साथियों, यहाँ पर आप देखने वाले हैं हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम, इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर साथियों, तो यहाँ पर अब हम हीट रिजेक्ट करने वाले हैं, हीट रिजेक्ट सिस्टम में माइनस होती है साथियों, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव हुई सेम प्रोसेस साथियों, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी साथियों, तो पॉजिटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है साथियों। तो इस प्रकार से अब क्या कंडीशन बनती है आपकी, या तो इसकी ओवरऑल वैल्यू साथियों आपको पॉजिटिव मिल सकती है क्योंकि इसको आप हटा भी देंगे तो इस प्रकार से पॉजिटिव मिलेगी, कुछ नेगेटिव होगा ये, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ ज़्यादा हुआ तो साथियों तो पॉजिटिव मिल सकती है, और ये नेगेटिव नेगेटिव किस प्रकार मिल सकती है साथियों, यदि ये ग्रेटर हो जाए इससे तो ये वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकती है, और साथियों क्या हो सकता है ये वैल्यू अपनी एस वन एस टू बराबर मिल सकते हैं, यदि ये वैल्यू जितनी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी साथियों, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप कोई सी भी कंडीशन बन सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये साथियों जीरो के बराबर भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हेयर रिजल्ट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इक्वल टू डेल एस या एंट्रोपी के बराबर जो रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको, तो किसी प्रकार की कंडीशन से आपको इजेंट्रोपिक प्रोसेस मिल सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिल सकती हैं, एंट्रोपी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ साथ देखे जा सकते हैं। तो अब साथियों जो अब तक पढ़ा है उसका कंक्लूजन हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज एंट्रोपिक प्रोसेस, बट इजेंट्रोपिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक ऑलवेज, इट मे बी इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। जो हमारे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है साथियों इजेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, लेकिन इजेंट्रोपिक प्रोसेस कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही कंडीशन हो साथियों, इसमें इरिवर्सिबल जो हीट रिजेक्शन है वो भी अपनी इजेंट्रोपिक प्रोसेस कंसिडर की जा सकती है इन कंडीशनों के हिसाब से। यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन इजेंट्रोपिक प्रोसेस दे रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज इजेंट्रोपिक प्रोसेस, बट इजेंट्रोपिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक ऑलवेज, इट मे बी रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेसेज। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में जान लेते हैं साथियों, इरिवर्सिबल हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस नेक्स्ट केस है अपना, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें हम जानते हैं साथियों इनकी एंट्रोपी कितनी होती है, डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई टी इरिवर्सिबल, प्लस इसमें एस जनरेशन ऐड होता है डेल एस जनरेशन, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये डेल क्यू अपना जीरो हो जाएगा साथ, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है अपन को, तो हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी साथियों, ये जीरो हो जाएगी, ये पॉजिटिव क्योंकि ये रॉली पॉजिटिव का होता है इसका, तो ये पॉजिटिव रहेगी, इसमें माइनस हो नहीं सकता, जीरो हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसलिए ये वैल्यू हमें इस प्रकार से कंडीशन देती है डेल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो इससे आप लिख सकते हैं एस टू माइनस एस वन ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर एस टू ग्रेटर होगा एस वन से साथियों, इस कंडीशन से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एंट्रोपी इंक्रीमेंट हुआ है इस प्रोसेस में, यहाँ पर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीमेंट। बारिश का मौसम है साथियों, बारिश का लुत्फ लेते रहें, झमाझम बारिश हो रही है, यहाँ पर अपनी क्लास चल रही है एंट्रोपी प्रिंसिपल, अब हम पढ़ते हैं साथियों एंट्रोपी प्रिंसिपल के बारे में, एंट्रोपी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है साथियों, जो एक क्वांटिटी है या तो एंट्रोपी के बराबर हो सकती है साथियों या फिर इससे बड़ी हो सकती है एंट्रोपी जो है अपनी, ये बड़ी कब होगी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है साथियों, इसमें कुछ ऐड किया जाता है, तो इस प्रकार से कंडीशन बनती है अपनी एंट्रोपी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी, इस टर्म के बराबर या इससे बड़ी होगी। यदि अपना आइसोलेटेड सिस्टम हो डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अपना हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा साथियों, तो इस प्रकार से ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं डी एस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से हमें एंट्रोपी की कंडीशन मिलती है साथियों। अब इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं आइसोलेटेड का, बेस्ट एग्जांपल आप देखें साथियों, वैसे रियल में आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ हीट लॉस हो ही जाता है, बहुत टाइम के बाद हो भले ही, लगातार बना नहीं रहता है, लेकिन हम यूनिवर्स को कंसीडर कर चल सकते हैं, इसमें
हीट ट्रांसफर जीरो है, यूनिवर्स से बाहर हीट कहीं जाएगी नहीं। तो इस प्रकार से जैसा हम जानते हैं सिस्टम होता है, उसके बाहर जो कुछ है सराउंडिंग है सब कुछ को आप कंसिडर कर कर चलें तो यूनिवर्स होगा। इससे बाहर हीट अपनी जाएगी नहीं, सिस्टम सराउंडिंग को जाती है, सराउंडिंग से सिस्टम को आती है, सब कुछ कंसिडर है साथियों यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से कहाँ जाएगी? यूनिवर्स हमेशा गाना गाता रहता है, छोड़ूंगा ना तुझको तब तक, अब पता नहीं है कब तक नहीं छोड़ेगा इसको। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं आइसोलेटेड को हम बोल सकते हैं। यूनिवर्स की जो ट्रॉपी होगी साथियों या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी साथियों, और यही अपना एंट्रोपी प्रिंसिपल कहलाता है। अब साथियों हम जानते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी किसके बराबर होगी, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस उसमें सराउंडिंग की एंट्रोपी ऐड कर दें तो ये टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की एंट्रोपी बन जाती है। तो इस प्रकार से इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं डे लेस सिस्टम प्लस डे लेस सराउंडिंग इज इक्वल और ग्रेटर देन जीरो, जो अपना फाइनल एंट्रोपी प्रिंसिपल कहलाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों जमाजम बारिश में भी हर मौसम में आप सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। अब तक जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है सारा आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।